जब 80 हारेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी हटेगी और भारतीय जनता पार्टी हटने से ही देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। इनके पास नारे तो नए नए हैं, गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए वो नौजवान लोकसभा में थे। केवल 24 तक हैं और 24 के बाद क्या होगा वो आप जानते हो क्या होगा। क्या समाजवादियों को जिताइए, बीजेपी को हटाइए, बीजेपी के हटने से ईवीएम भी हटेगी। देश में ईवीएम हटे, बीजेपी हटेगी तो उससे ईवीएम हट जाएगी। ये केवल 24 तक हैं और 24 के बाद क्या होगा वो आप जानते हो क्या होगा। ये केवल दिखाने के लिए हैं, जो कहावत है ना वो वही है कहावत, ये केवल दिखाने के लिए है। क्योंकि मध्य प्रदेश की बात आपने कही है, मध्य प्रदेश में ये कहा गया और अखबारों में आज भी निकल रहा है, सोशल मीडिया पे आज भी चल रहा है कि जो लाडली योजना थी उसकी वजह से सरकार बनी है। देश के प्रधानमंत्री ने भी ये कहा कि महिलाओं का वोट ज्यादा मिला। अब आप खुद कल्पना करिए कि लोकतंत्र में जिस नेता की वजह से सरकार बनी हो वही मामा दुखी हो, मामा को दुखी करना ये अच्छी बात नहीं है। और इसका परिणाम जो आने वाला है वो आने वाले समय में 24 को आप देख लेंगे। 24 मेरा मानना है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा, बीजेपी हटेगी और मैंने नारा दिया है कि सभी दल साथ आएं, खासकर जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। गठबंधन 80 हराओ का नारा देगा, जब 80 हारेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी हटेगी और भारतीय जनता पार्टी हटने से ही देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। इनके पास नारे तो नए नए हैं, अब कह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्री का सपना देख रहे हैं, जिनके वचन में कोई दम मतलब कहने और कथनी में फिर अलग अलग हो, क्या कहा और क्या किया इसका जनता को आकलन करना पड़ेगा। और अभी लोकसभा में जो नौजवान कूदे हैं, ये सही बात है कि सुरक्षा और वहां पर सुरक्षा जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, अगर ड्रीम प्रोजेक्ट में जो लगभग 25,000 करोड़ का बना है वहां की सुरक्षा ऐसी है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं साजिश भी है और षड्यंत्र भी है। क्योंकि कहीं इसी बहाने सरकार की कोई तैयारी तो नहीं है, कहीं इंटरनल सिक्योरिटी और सुरक्षा के बहाने लोगों को डराने की तैयारी तो नहीं है। एक तो सवाल वो खड़ा होता है और दूसरा सवाल खड़ा होता है, कई प्रतिष्ठित अखबारों ने कहा कि नौजवान बहुत त्रस्त थे। नौजवानों के परिवार से जब जर्नलिस्टों ने बात की तो परिवार के सदस्यों ने बताया कि नौजवान दुखी थे, उन्हें रोजगार और नौकरी नहीं मिल पा रही थी, इसी वजह से गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए वो नौजवान लोकसभा में कूदे। आप डेवलप कंट्री बनना चाहते हो तो जो डेवलप कंट्री में व्यवस्था है वोट डालने की उसके वो क्यों नहीं अपना रहे हो? अमेरिका जैसा देश जो अर्थव्यवस्था में ताकतवर है वो अपने आप महीनों बैलेट से वोट डलवाता है। जापान जैसा देश जहां से ईवीएम कभी बनी वो बैलेट से वोट डलवा रहा है। जर्मनी का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये पाबंदी लगाई कि अगर ईवीएम से मशीन से वोट पड़ेगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये तीनों बातें जो मैंने कही हैं, इन तीनों बातों पर आप खुद विश्लेषण करिए। और भारत सरकार ये कह रही है कि हम दुनिया में सबसे ताकतवर देश बनने जा रहे हैं और बनना चाहते हैं, तो क्या अविश्वास के साथ आप ताकतवर बनना चाहते हैं? जनता को विश्वास हो और सीक्रेट बैलेट, आज तो ये पता लग जाता है इस गांव में इस मजरे में वोट किसको मिलने वाला है, किसको पड़ने वाला है, ये सीक्रेट बैलेट कहाँ है वोटिंग? इसलिए समाजवादियों का मानना, मैं आज फिर कहता हूँ आपसे, मैं जनता से अपील करूंगा कि समाजवादियों को जिताइए, बीजेपी को हटाइए, बीजेपी के हटने से ईवीएम भी हटेगी। इंडिया गठबंधन में समाजवादियों का प्रस्ताव होगा और जनता से अपील होगी उसके माध्यम से कि देश में ईवीएम हटे, बीजेपी हटेगी तो उससे ईवीएम हट जाएगी।